कहानियाँ हम सबकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात आप समझते हैं, जानते हैं। आप सोचिए, वो सारी कहानियाँ जो हमने बचपन में स्कूलों में पढ़ ली, हमारे माँ बाप ने हमें सुना दी, हमारे दोस्तों से हमने कुछ सीख ली, वो सारी कहानियों का अमैलगमेशन है शख्स जो मेरे सामने बैठा है। उनमें से एक भी कहानी अगर नहीं सुनाई गई होती तो आज आप जो पर्सनैलिटी हैं वो नहीं होते, कुछ अलग होते। कहानियाँ हम सबके लिए इतनी ज़रूरी इसलिए होती हैं। There are 7,139 languages in the world. I think there should be one more, the language of storytelling. बात करने का, बातचीत करने का सबसे बेहतरीन तरीका। Imagine कीजिए कि आप एक जहाज़ में, पूरा अंधेरा है, हर तरफ तूफान आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और सडनली कहीं दूर आपको एक रोशनी दिखे, तो कैसे हौसला सा बढ़ जाता है, सुकून सा आ जाता है, आप सेफ सा महसूस करते हैं। हमारी ज़िंदगी में कहानियाँ बस वही काम करती हैं। जब भी हम निराश होते हैं, जब भी ऐसा लगता है कि सब कुछ हार चुके हैं, बैठ चुके हैं, गिर चुके हैं, तब आपको कहीं दूर एक रोशनी की किरण दिखती है जिसे हम कहानियाँ कहते हैं। वो कहानियाँ हमें हौसला देती हैं, हमें बताती हैं कि कोई बात नहीं, अगर समय अभी ख़राब है, समय अच्छा आएगा, हालात बदल सकते हैं। हमारे बचपन में अगर मैं आपको लेकर चलूं तो हमने चाचा चौधरी सबने पढ़ा है, जेन जीज हैव नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई टोटली गेट इट। ये सारी बचपन की कहानियाँ, चाचा चौधरी, शक्तिमान, यू नो, चंद्रकांता, ये सारी कहानियाँ सुन सुनकर, देख देख कर हमारी इमेजिनेशन फ्यूल अप हुआ करती थी। हमें उसने चीज़ें रचना हमारे दिमाग में सिखाई। चलिए काम करते हैं, सभी लोग अपनी आँखें एक सेकेंड के लिए बंद कीजिए, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आइज, मुझे बताइए ये क्या है, कौन सा म्यूजिक है, कौन बता सकता है? कितने लोग हैं जिन्हें कोई आइडिया नहीं है म्यूजिक कौन सा? ऑल ऑफ यू, आई वांट टू सी दोज हैंड्स, ऑल 2000 एंड प्लस बॉर्न पीपल आउट हियर। जितने लोग जानते हैं ये मालगुड़ी डेज है, हम जब बच्चे थे तब पहली बारी हमारा कहानियों से इंट्रोडक्शन मालगुड़ी डेज ने किया था। वो छोटा सा स्वामी कच्छा पहनकर भागते हुए आता था और आपको कहानियां सुनाकर चला जाता था। कहानियां इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन कहानियों के पीछे एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है वो है सच। हर कहानी के पीछे एक लेसन होता है, एक सत्य होता है। कहानी और सच एक ऊन के गोली की तरह एक दूसरे में बंधी हुई होती हैं। हाथ कंगन को आरसी किया और मैं कहानियाँ ही सुनाता हूँ, तो क्यों ना शुरुआत एक कहानी से ही करें। एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कहानी सुनना चाहते हो तो ज़ोर से कहो हाँ। सॉरी, नॉट बैड। चलिए सबसे पहली कहानी की तरफ चलते हैं। मैं आपको मालगुड़ी डेज की तरह गांव में लेकर जाना चाहता हूँ। बहुत पहले एक छोटा सा गांव था, उस गांव में दो बहनें रहती थी, दोनों बला की खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि जैसे गांव वालों को नाज था कि ये बहनें हमारे यहाँ रहती हैं। दो बहनें थी, एक का नाम था सत्य और दूसरी का नाम था कहानी। दो बहनें थी, एक का नाम था सत्य और दूसरी का नाम था, दोनों बड़े प्यार से, खुश मिजाजी से उस गांव में रहा करती थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन उस गांव में एक फकीर आया, फकीर समझते हैं? दोनों बहनों ने उस फकीर की खातिरदारी, सेवा इतने अच्छे से की कि जाते जाते तोहफे में वो फकीर उन्हें एक आईना दे गया। ये पहली दफा था जब दोनों बहनें आईना देख रही थी। आईना तो समझते हैं ना, सबसे पहले सत्य ने आईना उठाया, अपने आप को आईने में देखा और कहने लगी कि अरे मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो और कोई हो ही नहीं सकता। गुरूर कर बैठी, ऐठन में आ गई। अगली बारी कहानी की थी, कहानी ने आईना उठाया, खुद को देखा और कहने लगी नहीं, ज़्यादा खूबसूरत मैं हूँ। दोनों बहनों में झगड़ा सा हो गया कि ज़्यादा खूबसूरत कौन, तो लगी एक छोटी सी शर्त। शर्त ऐसी लगी कि दोनों बहनें एक एक करके गांव के बीचों बीच चौक तक पैदल चलकर जाएंगे, और जिसके पैदल चलने पर ज़्यादा गांव वाले तालियां बजाएंगे, वाहवाही करेंगे, सीटियां मारेंगे, भाई वो बहन जीत जाएगी। फेयर इनफ, शर्त लग चुकी थी। दिस वॉज प्रॉबली द फर्स्ट फैशन शो एवर। पहली बारी सत्य की थी, बड़े ऐठन में, गुरूर में कि मुझे देखकर, मेरा हुस्न देखकर तो लोग बावरे बावरे हो जाएंगे। सत्य चल पड़ी गांव की ओर, और जैसे ही उसने पहला कदम गांव में रखा, हुआ बिल्कुल उल्टा। लोगों ने सत्य को देखा और डर गए, डर कर अपने अपने घरों के अंदर भाग गए।
दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर ली, चिटकनियां भी लगा ली। सत्य बड़ी परेशान, उसे लगा ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। चलते चलते सत्य पहुंची गांव के बीचों बीच उस चौक में। देखा तो जैसे पूरा गांव खाली सा हो चुका था। तब सत्य ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एक तरकीब लगाई। तरकीब क्या लगाई कि सत्य ने वहीं खड़े खड़े, चौक के बीचों बीच खड़े खड़े अपने सारे कपड़े खोल दिए, नग्न अवस्था में वहां खड़ी हो गई, ये सोचकर कि अब तो लोग आ ही जाएंगे। हुआ फिर से बिल्कुल उल्टा। जो एक दो लोग कहीं इधर उधर घूम रहे थे, देखकर वो भी डर गए। घरों के अंदर दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, चिटकनियां भी लग गई। सत्य रोने लगी। कहीं दूर अपने घर में बैठी कहानी ये सब कुछ देख रही थी। तो अब कहानी ने एक तरकीब लगाई। कहानी ने श्रृंगार करना शुरू किया। श्रृंगार समझते हैं? सबसे पहले उसने लहंगा गिनगाम का पहना, सर पर एक सुर्ख चुनर ओढ़ी, माथे पर बिंदिया, आंखों में काजल, गालों पर लाली, पैरों में पायल और पैरों की दसों उंगलियों में 10 अनवट बिछिया पहनकर तैयार हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बारी। फिर जैसे ही कहानी ने पहला कदम गांव में रखा, उसके पायल की आवाज आई छन, और उस छन्न के पीछे जो घरों की चिटकनियां बंद थी वो खुलने की आवाजें आने लगी। जहां जहां से कहानी गुजरती, लोग अपने अपने घरों से बाहर आने लगे, उसके पीछे चलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, वाह वाही करने लगे। चलते चलते कहानी वहां पहुंची जहां चौक में सत्य खड़ी रो रही थी। सबसे पहले कहानी ने सत्य के कपड़े उठाए, सत्य को दिए और सत्य से कहा कि सत्य आज एक बात की गांठ बांध लो। बहुत ध्यान से सुनना इन बातों को अब जो मैं कहने जा रहा हूं। तब कहानी ने सत्य से कहा कि सत्य आज एक बात की गांठ बांध लो कि लोगों को सच देखना बिल्कुल पसंद नहीं और नंगा सच तो बिल्कुल भी नहीं। कहानी ने सत्य का हाथ पकड़ा और लेकर पूरा गांव घूमी। गांव का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, यहां तक कि हर जानवर भी उनके पीछे नाचते गाते वाह वाही करते, जैसे पूरे गांव में दिवाली आ गई हो। तब कहानी ने जो सत्य से कहा वो बात बताने के लिए मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब कहानी ने सत्य से कहा कि सत्य जब भी लोगों को सच दिखाने की बारी आएगी, उसे कहानी की खूबसूरती का सहारा लेना ही होगा। बिना कहानी के श्रृंगार के, बिना कहानी की खूबसूरती के लोगों को सच देखना बिल्कुल पसंद नहीं। वाह, थैंक यू। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप लोगों को बात बताने के लिए भी, दिस इज द ब्यूटिफुल पार्ट, दैट्स हाउ वंडरफुल स्टोरीज आर। कहानियां हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती हैं, गलतियां करने से बचाती हैं। लेकिन जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, गलतियां करने से कभी डरना भी मत, क्योंकि जिंदगी में गलतियां सिर्फ वही करते हैं जो कुछ करते हैं। तो गलतियां करने से कभी मत डरना। जब हम छोटे से थे, बढ़ रहे थे, धीरे धीरे चीजें सीख रहे थे, तब से ही घर वाले हमें कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ कहानियां सुनाती थी बड़े बड़े वीर योद्धाओं की, फिर चाहे वो श्री राम का साहस हो या श्री कृष्ण का प्रपंच, उन सारी कहानियों को सुनकर हम अपने आप उस युद्ध के मैदान में पहुंच जाया करते थे। होता था ना, जब किताबों में हमने महात्मा गांधी और अशोक के बारे में पढ़ा, तब हम अपने आप उनको देखने लग जाते थे। ये हर ह्यूमन के पास एक सुपर पावर है कि हम जब कुछ सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, तो हम उसे देख सकते हैं, हम वो कहानियाँ देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे स्कूल में हम बड़े होते चले जाते हैं, फिर एक वो वाला मोमेंट आता है जो आई एम श्योर आप सबके साथ हुआ होगा, कि हमें प्यार हो जाता है। तब वो सारी हीर रांझा रोमियो जूलियट वाली कहानियाँ हमें और अच्छी और मनोहर लगने लगती हैं। फिर आगे वाला समय आता है जब हम पिक्चरें देखना शुरू करते हैं। एवरीबडी वॉच मूवीज हियर? फिर चाहे दिल चाहता है देखने के बाद दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पे जाने का मन हो, या तमाशा देखने के बाद सेल्फ डिस्कवरी करने का। तमाशा सबने देखी है? तमाशा इज वन ऑफ दोज मूवीज जिसके कारण मैं आज जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वरना मैं ये नहीं कर रहा होता जो मैं आज कर रहा हूँ। छोटी सी कहानी है मेरी पर्सनल, मेरे बारे में। सुनना चाहते हो तो जोर से कहो हाँ। शाबाश। मैं बहुत छोटा, जितने लोग नहीं जानते, मैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे अपने आप को सिंगल हैंडेडली कहता हूँ फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस।
आई वॉज बॉर्न विद जस्ट वन हैंड, मेरा एक हाथ नहीं है. जब मैं पैदा ही ऐसे हुआ था, बिल्कुल कोई सैड होने की बात नहीं है, मेरे लिए यही नेचुरल है. मैं बहुत छोटा था जब ये बात समझ गया था कि जिन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता उसे अपना लो. जिन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता उसे अपना लो तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है. सब कुछ उस दिन से बड़ा प्यारा सा लगने लगता है. बस मेरे साथ भी वही हुआ. जिस दिन मुझे बात समझ में आ गई उस दिन से मैंने इस बात को अपना के अपनी पावर सी बना ली है और अब मैं इससे मज़े लेता हूँ. मैं बच्चों की बर्थडे पार्टियों में चले जाता हूँ मैजिक दिखाने. कोई दोस्त कहता है कि भाई ज़रा हाथ देना, हाथ देना. इट्स वेरी वियर्ड बट इट वर्क्स. मैं इंदौर का हूँ. एक छोटा सा किस्सा हुआ था. मेरा एक दोस्त था, आगे पल्सर चला रहा था, पीछे मैं बैठा हुआ था. जैसे ही सिग्नल खुला उसने जोर से बॉडी टर्न लिया और कहा, भाई हाथ दे, हाथ दे. उसकी फट, क्या कर रहे पागल. उसने गाड़ी गिरा दी. गाड़ी गिरी हुई है, आगे वो फंसा हुआ है, पीछे मैं फंसा हुआ हूं. एंड आई प्रॉमिस आप में से कभी ये बात किसी ने किसी से नहीं कही होगी कि मेरा हाथ मेरे हाथ में था और वो गिर गया. आसपास का पूरा ट्रैफिक रुक गया है. दो चार सेकंड लगते हैं आपको समझने में कि एग्जैक्टली हुआ क्या. वहां लोग विद इन द स्पैन ऑफ थ्री सेकेंड्स वो उठा, बाइक उठाई, मैं उठा, हाथ उठाया, बैठे और चल दिए. वहां लोग क्या हुआ है. उसके बाद जिंदगी बड़ी प्यारी सी चली. मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, दिल्ली में नौकरी करना शुरू की. लेकिन जैसे वो सुकून, वो शांति, जो सॉलिस आप ढूंढते हो ना अपनी ज़िंदगी में, वो कहीं नहीं मिला. मेरा मानना है, और आप सबके लिए भी, जहां आप अगर हैं, अगर आप अभी वहां उस जगह खुश नहीं हैं तो भरोसा रखिए कोई ना कोई कहानी ढूंढती हुई आपके पास आ रही है. जैसे मेरी ज़िंदगी में तमाशा आई थी. ये मैंने देखी और मुझे समझ में आया कि शायद मेरी रेस सच में अलग है. मैं किसी और रेस में भागने की कोशिश कर रहा हूं और जीतने की उम्मीद में. रेस बदल लो बस. और आज मैं यहां खड़ा हूं आप लोगों को कहानियां सुनाते हुए. मैंने मूवी ज्यादा लिटरली ले ली. जो उसमें वेद कर रहा था मैं वही करने लगा हूं. कहानियां सुनाने लगा हूं. हम जिंदगी भर न जाने कितनी कहानियां इकट्ठा करते रहते हैं, पोटली में भरते हैं और पीछे अपने कांधे पर लिए बस चलते रहते हैं. यहां बैठा हर शख्स अपने आप में एक पूरी किताब है. आप सब एक पूरी कहानी है, एक पूरी किताब है, जो हर दिन उस किताब में एक चैप्टर ऐड करते रहते हैं. समझ रहे हैं इस बात को. यहां बैठा हर शख्स एक पूरी किताब है, हर दिन एक नया चैप्टर ऐड करता है और आगे बढ़ जाता है. बस एक खराबी है इस पूरी बात की, वो ये है कि हम दूसरों की कहानियां बड़े चाव से सुनते हैं, उनके लिए ताली बजा देते हैं, लेकिन हम अपनी खुद की कहानी को बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं. हमें लगता है कि हमारी कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, कौन ही सुनना चाहेगा, और हम उसे बाजू रख के आगे बढ़ जाते हैं. ये गलत है. दिस इज द चेंज ऑफ सिम्फनी आई वांट टॉक अबाउट राइट नाउ. दिस इज द सिम्फनी ऑफ चेंज विच यू शुड ऑल बी थिंकिंग अबाउट राइट नाउ. दैट इज कि आपकी कहानी, आपके नजरिए, आपकी किताब की जरूरत इस पूरी दुनिया को है, मैं वादा करता हूं. तो और कुछ होना हो अपनी किताब बजा लो, इट्स ओके, मना नहीं करता मैं. क्लैप. और कुछ होना हो अपनी किताब में चैप्टर्स बढ़ाते रहना, कुछ ना कुछ लिखते रहना. यू गॉट टू ऐड दैट थ्रेड इन द फैब्रिक ऑफ लाइफ विच इज आउट देयर. आपका नजरिया लोगों तक पहुंचेगा. एंड वी गॉट एन एग्जाम्पल राइट हियर. वी हैव टेडएक्स, जो आपका नजरिया, आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाता है. ये अपने आप में बहुत खूबसूरत कहानी है ना. तो एक बार और कुछ तो टेडएक्स के लिए जोर से ताली बजाएंगे हम लोग यार. मैं वादा करता हूं कि अपनी कहानी को नजरअंदाज अगर आपने नहीं किया, उसे लेकर बाहर आए, तो टेडएक्स मैं या आपके आसपास वाले वो कहानियां बाहर लोगों तक पहुंचा देंगे. तो प्लीज आज के बाद अपनी कहानी को नजरअंदाज मत करना, अपनी किताब में जितना चाहे लिखते चले जाना. और कुछ होना हो, भले ही चाहे आपके सारे किरदार सो जाएं, लेकिन कहानी हमेशा जागती रहती है, कहानी हमेशा चलती रहती है. आपकी कहानी चलती रहे, आपकी कहानी जागती रहे, इसी उम्मीद के साथ मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा नाम लक्ष्य माहेश्वरी है. थैंक यू वेरी मच.